अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नन और मैं हूँ भाभी। और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नन भाभी। तो आज हमारे किचन में बन रही है कुछ हड्डी वाली बोटियाँ। आज हमारे किचन में बन रही है चापे। अच्छा ठीक है, जाहिर है ईद आने वाली है और गोश्त की बहार आने वाली है, इसलिए चापे हमने आधा किलो चापे ली है और हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है और 1 चम्मच हमने जो है वो काली मिर्च का पाउडर लिया है, एक आधा हमने कोयला लिया है और 2 चम्मच हमने जो है हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया लिया है और 3 चम्मच हमने दही लिए और नमक लिया है आज। हाँ चले आइए, इसमें कुकर में हम डालेंगे ये और अब इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल देंगे हम और आधा नमक हम अभी डालेंगे, आधा नमक हम बाद में डालेंगे। ठीक है, और जो है और अदरक लहसुन, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा मतलब थोड़ा कितना सा मतलब हम इसमें जो है एक गिलास पानी डालेंगे। ठीक है, इस सब चीज़ों को मिला लेंगे और हम प्रेशर दे देंगे इसको। कितनी देर के लिए? इसको हम 5 से 6 मिनट देंगे हम प्रेशर। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ये अच्छी तरह कोश भी हो चुका है और कोश भी कर चुका है। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे, अब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। दही डाल ली हमने इसमें, इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे और लाल मिर्च, काली मिर्चें और जो है धनिया। ठीक है, हम इन सब चीज़ों को और हल्दी और भाभी जो नमक बचाया था वो डाल दिया, डाल दिया। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे। ये देखिए, इसमें हम आधा नींबू डालेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। पेस्ट तैयार कर दिया, पेस्ट बिल्कुल रेडी है ये। चले अब हम उसमें मिलाते हैं गोश्त में। चले अब हम इसमें जो है सारे जो मसाले का पेस्ट बनाया है उसमें हमने ये सब डाल दिए चापे, अब हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अभी हम अच्छी तरह मिला लेंगे, उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें हमने 1 चम्मच के करीब जो है घी डाला है, अब हम इसमें वापस डालेंगे क्योंकि तो 5 मिनट हो चुके हैं इसको और हमने मसाला लगाए हुए। अच्छा, 5 मिनट? 5 मिनट। ठीक है, हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये मसाले में जो है हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह ये भून लिया है। ठीक है, अब हम इसको हमने कोयला रख चुके हैं, अब हम कोयला निकालेंगे। चूल्हा हमने ऑफ कर दिया है। ठीक है, ठीक है, अब हम ये रखेंगे और इस पर हम जो है कोयला रखेंगे। अब कोयला रख दिया है इसमें, अब हम इसमें 1 चम्मच के तक करीब घी डालेंगे और इसको कवर कर देंगे ढक्कन से। ये देखिए हमने इसको इस तरह सजा दिया है सलाद के पत्तों से और नींबू से, अब हम इस पर जो है चापे रखेंगे। देखें तैयार है ये बिल्कुल, बहुत मज़े की बनी है। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी वो ज़रूर पसंद आएगी। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। आप पहले अपना खुदाफिस करें। अच्छा, ओके, अच्छा ये अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। मिलते हैं इसी सोच के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।